ऑफलाइन का डिमांड इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग बंगाल से अलग होना चाहते हैं। बंगाल से अलग होने का मतलब ये है कि वी नीड अ सेपरेट स्टेट विद इन द फ्रेम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सबसे बात है, बड़ी बात है। और इसलिए चाहते हैं कि बंगाल का दार्जिलिंग कभी भी हिस्सा नहीं था, इट वॉज नेवर पार्ट ऑफ बंगाल। तो हम लोग अभी ये जो मांग कर रहे हैं, ये मांग 2007 से शुरू नहीं हुआ है, 1980 साल से भी नहीं हुआ है, ये 1907 साल से बिफोर इंडिपेंडेंस से हम लोग ये काम कर रहे हैं। 1907 तो उस टाइम में भी हम लोगों ने यहाँ से, हमारा जितना भी फोर फादर्स थे, हमारा जितना भी पुराना लीडर था, उन लोगों ने ये काम शुरू किया था और आज तक भी हम लोग करते रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में आज हम लोग यहाँ पर हैं। सो हम लोग कभी भी ये नहीं सोचा कि वी आर आउटसाइड इंडिया, पर हम बोलना चाहते हैं कि सरकार को भी दिखाना चाहते हैं कि हम लोग भी एक भारत का नागरिक है और नागरिक के मुताबिक से हम लोग का जो एक हक बनता है, संविधान ने जो हक दिया है, वह उसके मुताबिक से हम लोग भी एक सेपरेट स्टेट मांगते हैं। दूसरा स्टेट में हो सकता है उनका डेवलपमेंट हो सकता है, दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है। हमारा प्रॉब्लम डेवलपमेंट नहीं है, हमारा प्रॉब्लम है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब ये रहा कि भारत में रहने वाला जितना भी गोरखा लोग हैं, वो गोरखा लोग को कभी भी ये नहीं सोचा कि ये भी एक अभिन्न अंग है और इसका सिटीजन है भारत का, ठीक है। तो अब ये समय आ गया है कि अब हम लोग इस युद्धों को अगर आगे ले जाए, आगे बढ़ाएं और जितना हो सके इसको नॉन वायलेंट के तरफ से हम लोग काम करें, जो गांधी जी ने इंडिपेंडेंस के समय में काम किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन वायलेंट मूवमेंट का, इसका हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, अभी भी करते रहेंगे और आगे भी करेंगे जब तक गोरखा का अचीवमेंट। क्या ये आपको लगता है कुछ भेदभाव है गोरखा? यस यस, देयर इज डेफिनेट। किस टाइप वाला ट्रीटमेंट हम लोग को कर रहे हैं बंगाल सरकार 1980 से अभी तक, मुझे मेरा नॉलेज में जो बात थी 1980 में, मैं कॉलेज से जस्ट बाहर निकला था और आज तक का हिसाब से हम लोग करेंगे और बंगाल, समूचा बंगाल में जितना भी डेवलपमेंट होते हैं, जितना भी प्रोग्रेस होते हैं, जितना भी अपॉइंटमेंट होते हैं, उससे हम लोगों को वंचित रखते हैं, हम लोगों को इससे सेपरेट रखते हैं। तो दार्जिलिंग में इस तरह का स्टेप मदर ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है? इफ़ वी आर विद इन बंगाल और बंगाल का हम लोग का अगर हिस्सा है, तो स्टेप मदर का ट्रीटमेंट बार बार जितना भी गवर्नमेंट बंगाल में आते हैं, चाहे CPM हो, चाहे कांग्रेस हो, जो अभी तृणमूल आए, तो वो भी यही बात करते हैं। तो इसलिए ये एक हम लोग का मूवमेंट के लिए एक और फ्यूल का काम करता है। ये भेदभाव सिर्फ बंगाल सरकार कर रही है या देश के दूसरे हिस्सों में भेदभाव होते हैं? देश के दूसरे हिस्सों में भी होते हैं वो चीज़, पर नेता लोग जो भी हैं, अभी सरकार जो बनाते हैं, UP सरकार जो है, NDA सरकार जो है, इस बारे में उनको सब हिस्ट्री मालूम है, उसके बावजूद भी हम लोगों को दूसरा हिस्सा में कहीं कहीं हम लोगों के ऊपर भी भेदभाव करते हैं, विच इज़ नॉट गुड। और दिखाना चाहते हैं कि वी आर इन पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया, हम लोग भी इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के सिक्योरिटी के लिए जितना दूसरा सिटीजन काम कर रहे हैं, हम लोग भी उतना ही काम कर रहे हैं। तो ये होते हुए भी हमारे लिए सिर्फ नहीं है, गोरखा के लिए नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट का लोगों के लिए ये एक भेदभाव का सिस्टम जो बना रखा हुआ है, इसको अब तोड़ना होगा। राजू भाई, आप ये बताइए कि क्या कभी ऐसा भी होता है कि नेपाली आइडेंटिटी और गोरखा आइडेंटिटी ये कभी मिक्स हो जाती है? जैसे आप देश के दूसरे हिस्से में जा रहे हैं, बंगाल के बाहर जा रहे हैं, तो ऐसा होता है कि आइडेंटिटी गोरखा की आइडेंटिटी, नेपाल नेपाल के रहने वाले लोगों की आइडेंटिटी, ये मिक्स हो जाती है, ऐसा भी होता है? हाँ, ये हुआ है, ये हुआ है, क्योंकि हमारा छिमेकी देश नेपाल है और उस नेपाल का जितना भी सिटीजन्स हैं, चाहे उसमें बिहारी हो, चाहे मारवाड़ी हो, चाहे दूसरा लोग जो भी है, उसी को नेपाली सिटीजन बोलते हैं। तो हम लोग जो भारत में रहते हैं, हम लोग नेपाली सिटीजन नहीं है, वी आर इंडियन, इसीलिए हम लोग इंडियन गोरखाज हम लोग बोलते हैं। और इसको मिक्सअप करके बंगाल सरकार इसको दिखाना चाहते हैं कि वी आर फ्रॉम नेपाल, वी हैव नेवर क्रॉस बॉर्डर, बट बॉर्डर क्रॉसेस, ओके।
जैसे आपने कहा कि आप लोग जब बाहर जाते हैं दार्जिलिंग से बाहर, तो वहाँ भेदभाव होता है, तो दार्जिलिंग के अंदर भी जो बाहर वाले काम करने आते हैं उनके साथ भी बहुत तरह के अत्याचार होते हैं? कभी भी नहीं हुआ है, ये कभी भी नहीं हुआ है। आप सिंह के समय में जो आंदोलन हुआ था, एक वायलेंट मूवमेंट जब हुआ था, उस टाइम में CPM सरकार था बंगाल में, उस टाइम में भी किसी नॉन नेपलीज नॉन गोरखास को ऊपर में कोई जाति नहीं हुआ। और आज भी जब हम लोगों ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने 2007 से आंदोलन शुरू किया, इसके बीच में भी किसी नॉन गोरखास को यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी चीज हम बताना चाहते, दार्जिलिंग में सिर्फ गोरखास नहीं रहते हैं, दार्जिलिंग में बंगालीज भी रहते हैं, दार्जिलिंग में आपका मारवाड़ी भी रहते हैं, दार्जिलिंग में मुस्लिम भी रहते हैं, हर तरह का जात, भारत में जितना भी आपका जाति है वो सब दार्जिलिंग में रहते हैं। और आर यूनाइटेड फॉर गोरखालैंड। दार्जिलिंग में जो भी माइनॉरिटीज, जो भी लोग हम लोग माइनॉरिटीज उनको बोलते हैं, माइनॉरिटीज भी इस मूवमेंट में आंदोलन में शामिल है। अब जाति की बात कर रहे हैं, सेपरेशन की जो, भेदभाव की जो बात कर रहे हैं, हमारा म्यूनिसपैलिटी इलेक्शन में देखिएगा, बंगाली इज द काउंसिलर, मुस्लिम इज द काउंसिलर। अभी हम लोग का GTPA बना हुआ है, इसमें सभासद जितना भी देखेंगे उसमें भी मारवाड़ी सभासद है, तो कैसे बोलते हैं कि हम लोग उनको भेदभाव करते हैं? आपने कहा नॉन वायलेंस में विश्वास है आपका जी, और जो दार्जिलिंग से बाहर वाले रहते हैं जानते हैं वो कि हमेशा यहाँ बंद तोड़ फोड़ लड़ाई, ये तो लगातार वायलेंस ही वायलेंस यहाँ पर है दार्जिलिंग में, इसीलिए धीरे धीरे लोगों ने आना कम कर दिया, टूरिस्ट बहुत कम हो गए दार्जिलिंग में, यहाँ पे टी गार्डन्स बाहर की तरफ जाने लगे, तो फिर कैसे माने कि आप लोगों का जो पूरा आंदोलन है नॉन वायलेंस का टिका? जितना भी टूरिस्ट आते हैं या कोई भी आउटसाइडर्स दार्जिलिंग से बाहर से कोई भी आदमी या बाहर से दार्जिलिंग घूमने के लिए आते हैं, तो उनका कहना ये मुझे नहीं लगता है कि वी आर इन वायलेंट पाथ, हम लोग एक हिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं। अगर करना होता तो पहले से 2007 से हम लोग शुरू करते थे, क्योंकि हम लोग ये नॉन वायलेंट अथवा वायलेंट मूवमेंट करते करते हम लोग थक चुके हैं, स्पेशली आवर फादर्स आवर अंकल फोर फादर्स ने जो आर्मी में काम करके भारत को स्वतंत्र के हिसाब से काम किया था और स्वतंत्र दिलाने में भी काम किया था, उसके बाद में आज भारत को मजबूत रखने के लिए चारों बॉर्डर में बैठ के सिक्योरिटी दे रहे हैं आज, वो आदमी बाहर को देश के आक्रमण से रोकने के लिए, भारत को बचाने के लिए काम करें, अंदर में आके वही आदमी कैसे आम से उठाएंगे, किसके विरुद्ध में उठाएंगे हम लोग, बंगाली लोग के ऊपर में या मारवाड़ी लोग के ऊपर में या राजस्थानी के लोगों के ऊपर में या यूपी के या मध्य प्रदेश आदमी के उसके ऊपर में करेंगे, या भारत सरकार के आयोजन में हम लोग काम करेंगे? नो, दिस इज नॉट आवर थियोरी, ये हम लोग का थियोरी नहीं है। ये विवश बंगाल कर रहे हैं कि हम लोगों का जो आंदोलन अभी हो रहा है ना, जो हम लोग जैसे प्रोसेशन में निकलते हैं, प्रोसेशन में निकलने के लिए हम लोग का किसी परमिशन का दरकार नहीं है, हम लोग डिमांड कर रहे हैं ना, जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है वी कैन एक्सप्रेस आवर व्यूज, हम लोग बोल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसमें, तो संविधान में लिखा हुआ है हम लोग बाहर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, गवर्नमेंट को प्रदर्शन कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट हम लोग के ऊपर में जब लाठी चार्ज करते हैं तो ऑटोमेटिकली इट्स इज अ वायलेंट। तो पुलिस से परमिशन तो लेंगे ना? और पुलिस से परमिशन लिया हुआ सब होने के बावजूद भी ऊपर में हम लोग को आक्रमण जो करते हैं, तो वो आक्रमण में जब जितना भी घटना होता है तो बाहर वाला आने वाला आदमी वो दिखते हैं, तो वो वायलेंट होता है ना। ये आमरा बंगाली और मुक्ति मोर्चा दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत चर्चा में रहा है। आमरा बंगाली इज ए स्पॉन्सर पार्टी ऑफ CPM पार्टी, CPM पार्टी एक रूलिंग गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट एक जात के ऊपर में अगर कोई जाति करता है, एक्सप्लॉइट करता है, तो उसके ऊपर में क्वेश्चन होता है, तो उसको जगाने के लिए, वो लोग वहां से हटने के लिए, टू बी सेफ फ्रॉम दैट साइड, दे हैव क्रिएटेड वन यूनिट दैट इज आमरा बंगाली, वो CPM का एक यूनिट है। आमरा बंगाली मतलब क्या हुआ कि वी आर बंगाली, ठीक है, तो उसको जात के हिसाब से, एक कास्ट के हिसाब से उसको क्रिएट कर दिया, ताकि एक कास्ट के विरुद्ध में है, नॉट द गवर्नमेंट,
तो ये हिंसा तो हुई ना लगातार दोनों तरफ से? दोनों तरफ से नहीं हुआ, दैट वॉज डन बाय द ऑल आंध्र बंगाली, दे आर पेल्ड विद स्टोन। तो आप लोगों ने बिल्कुल हथियार डाल दिया उनके सामने कि जो करना है करो। क्या तो हम लोग का आदमी मर गया ना, हम लोग का भूतपूर्व सैनिक जो है, एक सर्विस मैन जो है, जिसने प्रदर्शन किया था 9 मई में सिलीगुड़ी में, आपको मालूम है कि नहीं, 2008 में हम लोगों ने किया था उस प्रदर्शन में, उस प्रदर्शन में हम लोगों के भूतपूर्व सैनिक के ऊपर में लाठी चार्ज हुआ था, सबसे पहले स्टोन फेंका था वही हमारा बंगाली ने, हम लोग भागने लगे उस टाइम में, आई वॉज प्रेजेंट एट दैट सीन। अभी ये दार्जिलिंग जो है इनका पूरा एरिया, ये ऑटोनोमस काउंसिल तो है, फिर आप स्टेट की बात कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि स्टेट डिमांड सिर्फ इसलिए है कि वो एक मुद्दा है, जिस दिन ये स्टेट बन जाएगा, जो लोग इस मूवमेंट का हिस्सा है वो खुद अंदर से नहीं चाहते स्टेट बने, क्योंकि स्टेट जिस दिन बन गया वो एक राजनीति पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। नहीं, हम लोग का चाहे आप जो भी मानिए इसमें, हम लोग अभी गवर्नमेंट ने हम लोग को एक प्रपोजल दे के यहाँ पर रख दिया कि यू हैव टू स्टार्ट विद द काउंसिल, DGC काउंसिल बना, दार्जिलिंग का एक काउंसिल बना, उसको हम लोगों ने फिर खारिज कर दिया, उसको कैंसिल करने के लिए हम लोग कोशिश किए, उसके बाद में फिर डेवलप कुछ हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अभी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बैठ के एक एग्रीमेंट में हम लोग चले गए, दैट इज गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग चले गए। तो गवर्नमेंट का एक प्रस्ताव, एक प्रपोजल बार बार आ रहा है कि बिफोर फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट आप लोग ये चला के देखिएगा, बिकॉज नॉट हियर इन दार्जिलिंग, दूसरा भारत का दूसरा स्टेट में भी स्टेट का डिमांड हो रहा है ना, विदर्भ का डिमांड हो रहा है, अभी तेलंगाना बन गया उसका भी स्टेट का डिमांड है। तो गवर्नमेंट ट्रायल बेसिस में क्या कर रहे हैं अभी, ट्रायल बेसिस में कि जो भी स्टेट का डिमांड करते हैं उसको ये काउंसिल जैसा, ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन जैसा कुछ दे दे, जैसे आपका लद्दाख में है काउंसिल, हाँ बोडो को दे दिया काउंसिल। नहीं, दार्जिलिंग को लेकर सवाल इसलिए भी क्योंकि ये आंदोलन आप लोगों ने शायद कमज़ोर किया है, सुभाष और विमल दोनों साथ मिल के ये लड़ाई लड़ते तो शायद ज़्यादा मजबूती से लड़ते, दोनों अलग हो गए तो सिर्फ तो ये लड़ाई कमज़ोर हुई ना आपकी। लड़ाई कमज़ोर इसलिए हुआ कि हम लोग अभी कमज़ोर नहीं है, किसी को साथ, सुभाष किसी को हमने साथ छोड़ा था, बिकॉज ही बिकेम द अलायंस विद द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में चाहे तृणमूल आए या CPM आए या कांग्रेस आए, कोई भी नहीं चाहता है कि गोरखाइन बने, तो उस आदमी को लेके हम लोग मूवमेंट में कैसे जाएंगे जो बंगाल के साथ में काम कर रहा है। तो अभी हम लोग चाहते हैं कि इसको भी GTU को भी खारिज करते हुए इसको आगे ले जाके गोरखाइन बनाना ही है। तो क्या आपको लगता है इस देश में सिर्फ एक ही पार्टी है जो गोरखालैंड बना सकती है, बाकी किसी पार्टी भी यकीन नहीं? अगर होता, अगर कर लेते हैं, अगर हमारा हमारा जो भी पिटीशन है, हमारा जो हम लोग अभी गवर्नमेंट के साथ में बैठ के बात कर रहे हैं, इतना एजिटेशन हुआ पहले 86 में, जो 1986 में जो आंदोलन हिंसक आंदोलन हुआ, उसके बाद में 2007 से नॉन वायलेंट मूवमेंट हम लोगों ने ऐसा आंदोलन किया, गवर्नमेंट के साथ में बैठ के हम लोगों ने काम किए, अगर उस टाइम में भी तो कांग्रेस ने, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, कांग्रेस था गवर्नमेंट जी जी जी, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं किया अभी तक? नहीं, अभी जिसको आपने पहले सपोर्ट किया था वो तो सांसद बने यहाँ से, और फिर वो कभी यहाँ आए भी नहीं देखने के लिए आप लोगों को, वो आए तो इस बार क्यों मैदान छोड़ के जाना पड़ा? नहीं, वो मैदान छोड़ के नहीं गया है। तो क्या हुआ उनके साथ? वो मैदान छोड़ के नहीं गया है, क्या हुआ उनके साथ? ही वॉज डिमांडिंग टू हिज नेटिव प्लेस, उसका जो अपना गांव है, गांव का आदमी ने उसको बुलाया, और वो भी चाहते थे कि इस बार लास्ट उसका, अब वो भी तो अब उम्र उसका एज हो गया है ना, तो वो चाहते कि अपना गाँव से लड़े और MP बने, हाँ लाइफ टाइम में उनका लास्ट अपना एक विश है उसका, तो उस गांव से जीत के वो भी MP बन जाए। तो हम लोगों ने बोला अगर आप नहीं आते तो दूसरा हम लोगों को कैंडिडेट चाहिए फ्रॉम BJP। तो BJP पे आप लोगों ने क्यों नहीं दबाव बनाया कि गोरखा को टिकट दो यहाँ से, इसको किसी गोरखा को टिकट मिले यहाँ से, इसके लिए क्यों नहीं दबाव बनाया आपने? हम लोगों ने हर बार बाहर वाला क्यों आगे चुनाव लड़ता है? हम लोग कर सकते थे वो चीज़, क्यों नहीं किया? हम लोगों ने कर सकते थे वो चीज़, हमारा भी कहना, हम भी कैंडिडेट बन सकते हैं, विमल गुरु जी भी कैंडिडेट बन सकते, नहीं विमल खुद ना बने, कोई और बने, कोई भी बन सकता था, गोरखा बने, गोरखा बन सकता था, पर हम लोगों ने ये ठीक नहीं समझा, क्योंकि अभी बंगाल, अभी नेशनल सिनेरियो, राष्ट्रीय सिनेरियो में जो अभी काम बन रहा है, BJP पार्टी ने शिक्षक को खारिज करने के लिए हम लोगों के साथ में जिस तरह से काम किया था, सपोर्ट किया था, उस एग्रीमेंट के आधार के तरफ में, उस अलायंस के तरफ में हम लोग भी कटिबद्ध है उनसे के साथ में कि उसको, उसी पार्टी को लेके हम लोग इस आंदोलन में आगे जाएं। नहीं, गोरखा ना सही, लोकल कोई खड़ा हो जाता है दूसरा। नहीं नहीं नहीं, इस बारे में जिस तरह से अभी अलवालिया को हम लोगों ने दार्जिलिंग में लेके आए हैं,
उन्होंने जिस तरह से हम लोगों का प्रॉब्लम को सुलझाया है, शिक्षण को खारिज करने में अलवालिया जी ने जिस तरह का रोल प्ले किया है, वाइटल रोल प्ले किया है, हम लोग चाहते हैं कि उसी पार्टी का उसी पार्टी का एक बड़ा नेता आके हम लोग की तरफ से यहाँ से काम करे। जिस तरह से हम लोग काम कर रहे थे, हमारा अपना भी विषय, हमारा अपना भी एक प्लान है, इस तरह से काम करेंगे तो हम लोग फ्यूचर में गोरखान के अचीवमेंट होगा। इस तरह से हम लोगों ने उसको इन्वाइट करके यहाँ से। अब अंतिम सवाल ये कि आपको लगता है कि गोरखालैंड बन जाता है अगर, तो गोरखा की जो आइडेंटिटी है उसकी जो क्राइसिस है वो खत्म हो जाएगी, ये लगता है? यस यस ऑफकोर्स ऑफकोर्स ऑफकोर्स। उसके बाद में भी आईएनटी का प्रॉब्लम जो रहा है, हम लोग का स्टेट बनते ही हम लोग का एक प्रॉब्लम खत्म होगा। उसके बाद में अब सरकार या नेशन का जो मिनिस्ट्री में जो तरह से हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं, उस मिनिस्ट्री में और आगे से तेज से हम लोग जाएंगे। नेशन बिल्डअप के लिए हम लोग काम करेंगे, अभी भी नेशन बिल्डअप के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इकोनॉमी का जो भी प्रॉब्लम है उसका, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। देश के सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम है उसमें भी हम लोग अपना महत्वपूर्ण हम समय दे रहे हैं अपना। मुझे लगता है इस पार्टी का सबसे बड़ा उद्देश्य जो है, मतलब इन पार्टी की नज़र में गोरखाओं की जो सबसे बड़ी समस्या है उनकी पहचान का संकट है, क्या मैं ठीक हूँ? यस। और जो सबसे पहला उद्देश्य है पार्टी का, उस पहचान की संकट से गोरखाओं को बाहर निकालना, और ये पूरा आंदोलन इसी के आधार पर खड़ा है। तो ये इसकी समस्या क्या है, पहचान के संकट की समस्या क्या है, उस पर आप कुछ बता सकते हैं? समस्या क्या है, हम लोग जब भारत दादाजी से बाहर जाते हैं तभी हम लोगों को क्वेश्चन होता है, स्पेशली इन बंगाल, यू आर आउटसाइडर्स, यू आर फ्रॉम नेपाल। और बंगाल से भी बार हम लोग बाहर जाते हैं उस टाइम भी क्वेश्चन होता है, हाँ भारत का नागरिक हम लोगों को क्वेश्चन करते हैं, सभी तो नहीं करते हैं उसमें, तो जिसका अपना मोटिव है, जिसका इंटेंशन हम लोगों को रुष करने के लिए जो करते हैं, तो क्वेश्चन यही होता है कि यू आर फ्रॉम आउटसाइड। तो आज से नहीं है, सब चीज़ गंवाने के बाद, सब चीज कुर्बान करने के बाद में भी बार बार ये क्वेश्चन हो रहा है, तो हम लोगों को ये लाजमी है कि हम लोग भी इसका कर डिमांड करने के लिए। क्योंकि जब पहले आपका SRC गठन हुआ था, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन जब गठन हुआ था 1954 में गठन हुआ था, उस टाइम में SRC गठन लैंग्वेज के हिसाब से गठन हुआ था। सो उस टाइम में गोरखा का लैंग्वेज को लेके स्टेट क्यों गठन नहीं हुआ, दिस अ बिग क्वेश्चन। अगर आज उसके बाद में 1954 के बाद में आज तक, उस टाइम में 19 आपका 13 सबसे पहले स्टेट था, उसके बाद में 19 स्टेट हुआ, उसके बाद में अभी आके 28वां स्टेट बन गया अभी ना। तो इस प्रक्रिया में, इस चलन में, इस प्रोसेस में अभी तक स्टेट क्यों नहीं बना? अगर लैंग्वेज बेसिस में कोई स्टेट बनता है तो गोरखाओं के लिए क्यों नहीं बनता है? HOD में भी अभी इंक्लूडेड, आप करेंसी में भी देखिए, देयर इज अ लैंग्वेज ऑफ नेपाली लैंग्वेज इज देयर ना। तो जब स्टेट की बात करते हैं हम लोग, स्टेट के बारे में हम बात करने के बाद में ये भेदभाव क्यों होता है, वाई? और जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि दिस पार्ट दार्जिलिंग वॉज अ नेबर पार्ट ऑफ बंगाल। तो आपकी पार्टी इस बात में यकीन रखती है कि अगर NDA की सरकार बनती है तो अलग स्टेट बनेगा? जरूर, क्यों नहीं, जरूर। और नहीं बनाई NDA ने फिर? बनाएगी, क्यों नहीं? अगर नहीं बनाते हैं तो आप लोग बेस्ट हैं। नो, दैट इज हिपोक्रेटिक क्वेश्चन, वो बाद में देखे जाएगा।